तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के कमाल के तीन हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं तीन ऐसे टिप बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ये जो तीन हिडन फीचर बताने वाला हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ आपको पता हो और कुछ तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पता नहीं होंगे। तो क्या ये फीचर है, कहाँ मिलेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल के तीन हिडन फीचर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला हिडन फीचर वो है फेवरेट्स ऐप का। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो यूजफुल वाली ऐप होती है हम उसको यहाँ पर रख लेते हैं ताकि हम उसको ईजिली कहीं भी हो, कहीं भी पेज पे हो और उसको हम ईजिली कहीं भी उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि वो हमारी फेवरेट ऐप्स होती है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जिसको आप अपनी फेवरेट ऐप बनाना चाहते हैं और जिसको आप इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकें क्विकली। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ मैक्सिमम पांच ही दिखते हैं, आप देख रहे होंगे मैक्सिमम आप पांच ही ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आप मैक्सिमम सात यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में जाना है, गुड लक वाली ऐप में चले जाना है। गुड लॉक वाली ऐप में जाने के बाद आपको जाना है उसके होम अप वाले मॉड्यूल के अंदर। होम अप वाले मॉड्यूल में चले जाना है आपको इसको, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप होम अप वाले मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपको जाना है होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे वहाँ पर आपको मिलेगा फेवरेट मैक्सिमम काउंट, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आप मैक्सिमम 9 यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं देख रहे होंगे, मैंने यहाँ 9 पे क्लिक कर लिया और मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अब मैं यहाँ पर 9 ऐड ऑन कर सकता हूँ। कैसे, मुझे यूँ क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना है। 7 हो गए, 8 हो गए और ये मैं 9 यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे, आप इस तरीके से इसको कस्टमर ने जल्दी जल्दी में सब ऐसी ऐप डाल दी, बट आप यहाँ पर सारी अपनी यूजफुल ऐप्स डाल सकते हैं जिनको आप इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहला जो टिप है, सबसे पहला हिडन जो टिप है वो यही है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड टिप जो वो है फोटोज से रिलेटेड। दोस्तों होता क्या है, हम अपने मोबाइल में या फिर हम अपने फ्रेंड के सैमसंग गैलेक्सी में किसी में भी हम फोटोज़ तो खींच लेते हैं, बट हम जब उससे मांगते हैं तो वो व्हाट्सअप कर देता है, क्योंकि वो दूर रहता है, पास में नहीं है, तो वो व्हाट्सअप कर देता है। व्हाट्सअप से क्वालिटी बेकार हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी जो फ़ोटोज़ है या फोटोज़ की क्वालिटी ड्रॉप ना हो, फोटो अच्छी क्वालिटी में हमारे पास आए। तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड टिप बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या, जाना है अपनी सैमसंग गैलरी में और उन फोटो पर चले जाना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ सैमसंग गैलेक्सी में चले जाना है। यहाँ जाने के बाद अपनी फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है जिनको आपको शेयर करना है। आपको उन फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको ना व्हाट्सअप पे चेक करना है ना कुछ करना है, आपको यहाँ पर क्विक शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्विक शेयर पे जाएंगे तो आप बोलोगे यार क्विक शेयर तो बिल्कुल साथ में काम करता है, बट इसमें भी एक फीचर है मेरे भाई, इसमें एक कॉपी लिंक वाला फीचर है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी लिंक पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सैमसंग क्लाउड में सेव हो जाएगा और आप इजीली खाली बस लिंक शेयर करोगे और सामने वाला वहाँ पर पूरी फोटोज़ को एक्सेस कर लेगा। कैसे, अब देखें जैसे कि यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है, अब मैं आ गया हूँ व्हाट्सएप पे आ गया हूँ, मैंने यहाँ पर वो लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और वो लिंक के साथ सारी फाइलें वहाँ पर एक्सेस कर सकता है। आप देख रहे होंगे जैसे ही अब मैं थोड़ी देर रुकूंगा अभी तो पूरी फोटोज़ का प्रीव्यू भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप देख रहे होंगे सब यहाँ पर दिख जाएगा और वो इजीली क्लिक करके उसका एक्सेस कर सकता है। तो ये फीचर भी बहुत ही कमाल का है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा फीचर जो है वो भी बहुत यूज़फुल है, या बोल सकते हैं बहुत काम का फीचर है। दोस्तों हम अगर हमें देखना हो कि हमारे अभी आज की डेट क्या है तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार यूँ नीचे ड्रॉप करो फिर जाके हम देख पाते हैं कि आज की डेट क्या है, बट हम चाहते हैं यार इसको क्विकली कर लें। तो आप उसको अपने यहाँ पर क्विक शेयर वाले या बोल सकते हैं होम स्क्रीन के यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले आइकन पे भी या बोल सकते हैं घड़ी के बगल में भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं क्विक पैनल में। कैसे, तो उसके लिए आपको वापस वहीं जाना है सैमसंग क्लाउड ऐप में, सैमसंग क्लाउड ऐप सॉरी गुड लक वाली ऐप में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा क्विक स्टार वाली ऐप, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना है क्विक स्टार में, यहाँ जाना है क्लॉक स्टार लॉग सेटिंग में, यहाँ पर आपको मिलेगा शो डेट का ऑप्शन। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपको वहाँ पर शो डेट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको डेट भी बता देगा और आपको वो भी बता रहा है कि कौन सा दिन है, मतलब कौन सा दिन है, लाइक फ्राइडे है तो वो आपको फ्राइडे भी बता रहा है।
तो इस तरीके से आप ये तीन जो फीचर हैं या वो सब तीन जो हिडन टिप्स हैं यूज़ कर सकते हैं, जो कि यार मुझे तो अच्छी लगी। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू।